फिजियो पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर पीयूष जैन मीटिंग। आज हम बात करने वाले हैं मास्क की। जैसे आपको पता होगा कि पूरे ही संसार में कोरोना वायरस का आतंक मचा हुआ है और वो हिंदुस्तान में भी आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कोरोना वायरस है या उड़ते हुए र्यूमर्स हैं? क्या रहा है मार्केट में, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बातें चल रही है। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी बातें आती है कि मास्क पहनना है, मास्क कितना महंगा हो गया है, मास्क के बिना आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब आज इस सब की बातें करने वाले हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा कि मास्क में कितने टाइप के मास्क आते हैं, कौन सा मास्क अच्छा होता है, कौन सा मास्क अच्छा नहीं होता है, कितने वैरायटी के मास्क है। तो हमने मार्केट से बहुत सारे मास्क परचेज किए हैं सिंगल सिंगल पीस, और उसके बारे में आज कुछ बताना चाहूंगा। पहले बात करते हैं, हमने एक लोकल मार्केट से मास्क खरीदा है जो किसी वीनस कंपनी ने बनाया, जिसका नाम है धूल रक्षक। आप देख सकते हैं इसका नाम है धूल रक्षक, बेसिकली एक पॉल्यूशन मास्क है। कोई भी मास्क अगर आप पहनते हैं जिसका कारण आपका बीमारियों से बचना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बीमार हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बीमारी हो सकती है, तो जब आपने मास्क पहना और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, ये मास्क उतारकर आपको डिस्कार्ड करना होता है। अगर आप ये मास्क कंटिन्यूसली, कोई भी मास्क, सर्जिकल मास्क हो, रेस्पिरेटरी की हम बात करेंगे, कोई भी मास्क पहनते हैं, आप उसको पूरे दिन यूज़ करते हैं, फिर लाकर उसको घर पर रख देते हैं, अगले दिन फिर से उसको यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो क्या बन जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब कि जो भी कीटाणु आपकी सांस के द्वारा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एनवायरनमेंट के थ्रू यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो ज़्यादा पनपेंगे और उससे आपको इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे मास्क की बात करता हूँ, इसको रेस्पिरेटर बोलते हैं, इसको पहली बात मास्क नहीं बोलते हैं, ये N95 रेस्पिरेटर है। बेसिकली ये पॉल्यूशन के लिए, या जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए बनाया जाता है, या फिर ये होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो रेड जोन में काम कर रहे हैं, ये एक आम आदमी के लिए किसी काम का नहीं है। फिर आते हैं आप सर्जिकल मास्क पे, आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी के सर्जिकल मास्क है मेरे पास। इसमें एक नोज पिन होती है, एक डोरी होती है जिससे आप इसको बांधते हैं। अलग तरीके भी मास्क आते हैं, जैसे इसमें एक नोज क्लिप है और इसके अंदर एक इलास्टिक बैंड है जो आप अपने कान के पीछे लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ और तरीके की भी मास्क हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइज, क्योंकि आजकल ये मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मास्क है इसको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं, डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क बोलते हैं। डिस्पोजेबल मतलब आपने इसे पहना, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, अपना काम किया, इसको बिना टच किए, बिना हटाए, इसको आपको डिस्पोज करना होता है। दूसरी चीज़, आप मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, वो मास्क लगाते हैं और मास्क को यहाँ सरका लेते हैं, मतलब उनकी नोज दिखती रहती है और मास्क सिर्फ मुँह पर रहता है, इसलिए इस मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका नाक मुंह अच्छी तरह कवर्ड नहीं है तो ये मास्क लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये एक तरह से आजकल फैशन स्टेटमेंट हो गया है। अब बात करते हैं कितने टाइप के मास्क आते हैं। इसमें बेसिकली चार तरीके के मास्क आते हैं, सिंगल प्लाई, डबल प्लाई और थ्री प्लाई, माफ कीजिएगा, टू प्लाई, थ्री प्लाई और फोर प्लाई। टू प्लाई, थ्री प्लाई, फोर प्लाई का मतलब क्या, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थ्री प्लाई मास्क, एक अंदर की लेयर होती है इसमें, एक बाहरी लेयर होती है इसके अंदर, और एक सेंटर में इसकी एक लेयर होती है। तो बेसिकली इसके अंदर तीन लेयर होती है मास्क की, इसलिए उसको थ्री प्लाई मास्क बोला जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके का सर्जिकल मास्क होता है, वाटरप्रूफ मास्क होते हैं बेसिकली, तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। ये होता है टू प्लाई मास्क, मैंने पहले ही काट के रखा है आप लोगों के लिए। तो ये एक इसकी बाहरी लेयर है, एक इसकी अंदरूनी लेयर है, तो इसमें सिर्फ दो लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, इन मास्क में तीन लेयर होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मार्केट में मास्क की थोड़ी कमी हो गई है, लोग होर्डिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग में इसको ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं, 20 रुपये, 25 रुपये का बेच रहे हैं, तो कुछ भी मार्केट में बन रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई नोज क्लिप नहीं है, सो ये मास्क बहुत अच्छा नहीं। क्यों? नोज क्लिप होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि सपोज ये मास्क मुझे पहनना है तो मैं नोज क्लिप की तरफ से इसको रखूँगा, डार्कर साइड हमेशा बाहर रखेंगे, इसको मैं ईयर के अराउंड लगाऊंगा और इसके बाद नोज क्लिप को बहुत अच्छी तरह टाइट करूंगा अपने नोज के अराउंड और मास्क को टोटली फिक्स करूंगा। तो जब तक ये मास्क टोटली अराउंड आपके फेस को कवर, नोज और माउथ को कवर नहीं करता, तब तक ये मास्क किसी काम का नहीं। अगर ये मास्क यहाँ से खुला है तो भी मास्क काम नहीं कर रहा, अगर आप ऐसे मेट्रो में खड़े होकर बैठे हैं तो मार्केट में गए हैं, नोज आपका दिख रहा है तो भी काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग होते हैं दो दो मिनट में ऐसा निकाल के उसको कराते हैं तो भी काम नहीं। अगर आप बार बार अपने हाथों से इस मास्क को टच कर रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांस उल्टा और बढ़ जाते हैं। तो आपने जब इसको एक बार यूज़ कर लिया, मे बी एक ट्रैवल टाइम के बाद, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के बिना उसको टच किए फोल्ड करके
अच्छी तरह डिस्पोज करेंगे, उसके बाद अपने हैंड को प्रॉपरली सोप एंड वाटर से वॉश करके, सैनिटाइजर से वॉश करके अपने काम को करेंगे। तो ये था कुछ मास्क के बारे में। WHO ने पहले ही बोला है कि जो लोग बीमार हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको मास्क की आवश्यकता है, हेल्दी आदमी को मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये र्यूमर्स में पढ़कर कालाबाजारी को बढ़ावा ना दें, और जो लोग हेल्थ केयर में हैं सिर्फ वही लोग मास्क खरीदें, या जो लोगों के घर में कोई बीमार है वही लोग मास्क पहने ताकि और लोगों को कोई बीमारी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो पांडा, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।